गाइस फाइनली हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है यहाँ से गांव से, और यहाँ से अभी 15 किलोमीटर का ट्रैक है। पता नहीं आज हम पूरा कंप्लीट करते हैं या आधे रास्ते, क्योंकि आज धूप काफ़ी ज़्यादा है तो दिन में बर्फ़ वगैरह पिघलता है, तो उस वजह से हम नाले वगैरह ज़्यादा चढ़ जाते हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शायद आधे रास्ते जाने के बाद सुबह अगले दिन नेक्स्ट में जल्दी सुबह 4-5 बजे निकल जाएंगे, तो आराम से क्रॉस करके आ सकते हैं हम वापस, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा चिल्ड होगा और पानी काफ़ी ज़्यादा चिल्ड होगा और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव होगा। और ये हमारे भाई एक ही है और दो पीछे आ रहे हैं, तो चलो देखते हैं आगे कैसा कैसा रास्ता आता है, क्या क्या देखने को मिलता है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वीडियो होने वाली है, एकदम से मस्त वाला। तो ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं हम। अब रास्ते में चलते चलते दिखाता हूँ मैं जहाँ जहाँ व्यू दिखाने वाला होगा आपको, क्योंकि 15 किलोमीटर डायरेक्ट मैं कंटिन्यू वीडियो तो बना नहीं सकता हूँ, आपको पता ही है फ़ोन भी लो हो जाएगा और नेक्स्ट डे भी इस फ़ोन को सर्वाइव करना है बेचारे को। तो चलो देखते हैं, अब एक बार आप फ्रंट व्यू देख लीजिए, यहाँ से शुरू होगा ट्रैक, और जो आप ये देख पा रहे हो यहाँ से नदी के किनारे से होके जाएंगे हम, और जो स्नो माउंटेन पीक दिख रही है इसके पास तक जाना है हमको, इसके काफ़ी ज़्यादा ऊपर है अभी तो, पर देखते हैं अभी यहाँ तक पहुँच लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ऊपर कितना है। और आसपास में काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे गाइस, हमने काफ़ी चलने के बाद गांव को पीछे काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, और काफ़ी आगे पहुंचने के बाद आप रिवर देख रहे हो काफ़ी बढ़िया से चल रही है, और मेरे साथ के बंदे भी आगे चल रहे हैं, और नीचे का नज़ारा देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, और पीछे में स्नो माउंटेन पीक भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, और आसपास में एकदम से फ्रेश हवा चली हुई है, धूप है हल्की हल्की और बादल भी आ गया है, शायद भोलेनाथ हमको जल्दी ऊपर पहुंचाने के चक्कर में है कि छांव देता हूं मैं, आप जल्दी जल्दी चढ़ो, और जैसे ऊपर पहुंचोगे मैं बादल वगैरह शायद हट जाएं, तो देखते हैं अभी पता नहीं क्या होगा, शायद बारिश ही ना लग पड़े तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो सकती है। टेंट वगैरह ले लिए वैसे हमने, और ऊपर में बर्फ देखिए गाइस, इस वाले माउंटेन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्फ है, मतलब गाइस काफ़ी ज़्यादा दूर पहुंचने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, और अब यहाँ से फिर शुरू हो चुका है, अभी 1.5 किलोमीटर शायद ट्रैवल किया होगा हमने, पर रास्ता आरामदायक है, ज़्यादा टफ नहीं है, पर आगे आगे मैं पता नहीं, अभी तक तो नॉर्मल रास्ता है, आराम से है बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह देखने को मिल रही है आसपास में भी। काफ़ी ज़्यादा दूर चलने के बाद हमने 2 किलोमीटर तय कर लिया है, और यहाँ पे आपको रहने के लिए स्टे वगैरह मिल जाएगा, तो चलते अब क्योंकि बंदे तो आगे निकल रहे हैं, आराम आराम से हम भी चलते हैं। गाइस आप जो पीछे में स्नो माउंटेन पीक देख रहे हो, इस लेवल के ऊपर जाना है हमको, और यहीं पे मतलब इसके पल्ली तरफ को एक पहाड़ी और है, उस जगह पे पहुंचना है, तो काफ़ी ज़्यादा दूर है देखने में तो, और फूल देखिए गाइस क्या ही सुंदर लगे हुए हैं, नेचुरल है सब ये, और ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है आसपास में। गाइस फूल देखिए आप, अलग अलग कलर के बहुत ज़्यादा फूल ही फूल है।
गाइस यहाँ से देखिए पीछे का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और इस तरफ में ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ने के बाद हमारे तीन बंदे ऊपर पहुँच गए, एक बंदा मेरे साथ है। और यहाँ पे देखिए ग्लेशियर, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर क्रॉस करवाता हूँ मैं आपको, लेके चलता हूँ साथ साथ। और उसके बाद मेरे को जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ऊपर पहुँच गए ये। मैं थोड़ा पानी पूनी पीने रुक गया था यहाँ पे पीछे, तो वहाँ पे टाइम लग गया। गाइस देखिए क्या सुंदर है, उस तरह से हवा भी चली हुई है ठंडी बिल्कुल, और पूरी तरह से अच्छा लग रहा है एकदम से, क्योंकि सुंदरी जगह इतनी है कि किसी का भी मन आके यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ अभी, मेरे से बोलना नहीं जा रहा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैक मार दिया यार, एक डेढ़ घंटे में 7 किलोमीटर के अब चल लिए है, 8-1 किलोमीटर पहुँचते आए अभी, 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और आसपास में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ किस तरह से है, आप खुद ही देख रहे हो। चलो चलता हूँ मैं भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए मेरे साथ के बंदे, तो चलो मिलते हैं हम आगे आपको। आप एक बार व्यू देख लीजिए एक बार आसपास का, अभी बिल्कुल पीछे तक जाना है, काफी ज्यादा दूर है यहाँ से। गाइस ये देखिए जो गद्दी से अफोर्ड होते हैं ये उनके घोड़े हैं, ठीक जान बना के रखी हुई है। और ये लोग यहाँ की जो स्थाई निवासी है वो छोड़ के गए अपने बच्चे वगैरह को, गाय और उसको। और पीछे में देखिए आप जो स्नो माउंटेन एक दिख रही है लास्ट वाली, उसके पास में जाएंगे। जो मैंने आपको पहले वाली दिखाई थी वो ये वाली थी जो सामने पहुंच गए हम जहाँ पे, और जब उससे पीछे दिख रही है यहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे आज, यहीं पे है जहाँ पे लास्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमको जाना है मतलब। और इस तरफ में भी काफ़ी अच्छा है नीचे में भी, और बादल देखिए तो क्या ही, हवा भी एकदम चली हुई है, मतलब एकदम मौसम फील आ रहा है, काफ़ी अच्छा है आसपास में भी। तो मेरे साथ के साथी चले गए फिर से, मैं फिर से चलता हूँ अब पीछे पीछे। फाइनली गाइस काफ़ी ऊपर पहुँचने के बाद हमको ये बंदे मिले हैं, ये भाई है, ये यहीं से है केलोंग से, और ये 2 दिन काट के आए हैं वहाँ पे मतलब। और हमारे को बता रहे कि ऊपर में लकड़ी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको खाना बनाने के लिए सुविधा करनी पड़ेगी कोई, तो देखते हैं लैंप वगैरह मिल जाता है कोई ऊपर में, स्टोव वगैरह या कुछ खाना बनाने का साधन, तो देखते हैं क्या बनता है। चलते वैसे तो भेड़ पालक है वहाँ पे, उनसे मांग लेंगे कुछ ना कुछ। और आसपास में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू है। गाइस फाइनली हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच चुके हैं, यहाँ से मंदिर काफ़ी ज़्यादा ऊपर है तो हम यहीं पे टेंट लगाएंगे। और गाइस ये चीज़ देखिए आप क्या ही सुंदर है, और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था सच में ही, और अभी मैं अगर अभी पहुँचे भी नहीं है अभी हम मंदिर तक, मंदिर भी नहीं पहुँचे और फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है, तो अभी फ़ोन भी दूसरा है उसका कैमरा अच्छा नहीं है, तो देखते अगर मंदिर तक पहुँचा नहीं पाया तो मैं आपको दूसरे कैमरे में दिखाऊंगा उसकी वीडियो, अगर दूसरे कैमरे में बना के, और फिर परमानेंट अच्छा नहीं होगा उसका, तो मतलब एकदम से जन्नत जगह है यार सही में बोले तो। देखिए अल्टीमेट बस यहाँ से बच गया है, 1-20 मिनट का काम और फिर पहुँचाएंगे हम मंदिर।
तो आप टॉप में चोटी देखते हैं, यहाँ पे होते हैं नीलकंठ जी के दर्शन, और ये है नीचे में मंदिर। ये देखिए जो आपको पीछे में बिल्कुल हाइट में जो चोटी दिख रही है, इसके नीचे में है नीलकंठ लेक, और आसपास का नज़ारा देखोगे आप तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को मिल रहा है।